एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राजस्थानी मुस्लिम लोहार जमात का सालाना सम्मेलन हुआ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में संपन्न। मुल्ताई नगर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी राजस्थानी मुस्लिम लोहार जमात का सम्मेलन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में संपन्न किया गया। राजस्थानी मुस्लिम लोहार जमात कमेटी की तरफ से सम्मेलन में सामूहिक निकाह का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है, जिसमें जोड़ों का निकाह करवाया जाता है। वहीं इस वर्ष राजस्थानी मुस्लिम लोहार जमात द्वारा राजस्थानी मुस्लिम लोहार समाज के होनहार बच्चों को भी सम्मानित किया गया। ये पूरा आयोजन जमात के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद एवं जमात के सचिव नूर अहमद अंसारी के नेतृत्व में करवाया गया। वहीं सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी मुख्य भूमिका हाफिज जावेद, जुबेर चौहान, इमरान कपूर, अब्दुल मन्नान चौहान, सलमान कपूर, साकिर भाई, मोहसिन सिंघानिया, फारूक सिंघानिया, इम्तियाज अंसारी, गुरू आरिफ सिंघानिया, सुहेल कपूर, जमील सिंघानिया, आसिफ सिंघानिया, वसीम सिंघानिया, तबरेज उर्फ तब्बू चौहान एवं अन्य जमात के बुजुर्ग एवं जवान का भरपूर सहयोग रहा। मुल्ताई नगर में होने वाले सम्मेलन में भारत देश के तमाम राजस्थानी मुस्लिम लोहार समाज के लोग एकत्रित होते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये आयोजन करते हैं। लेकिन इस वर्ष मुल्ताई नगर में एक सवाल जनचर्चा का विषय बना हुआ है। इस वर्ष मुल्ताई नगर में एक सम्मेलन नहीं बल्कि दो सम्मेलन हुए। यही बात मुल्ताई नगरवासियों को खटक रही है कि जब प्रतिवर्ष एक ही बैनर के तले ये पूरा सम्मेलन कराया जाता था, तो इस वर्ष ऐसी क्या वजह आ गई जो अलग अलग सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा। हालांकि जब इस संबंध में जमात के लोगों से जानकारी ली गई तो जमात के लोगों ने इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बताया। एनटीवी टाइम के लिए आमिर अहमद की रिपोर्ट। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती है। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़।